हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुनैद लतूर द परफ्यूम शॉप। मेरा नाम जुनैद अगवान, जुनैद लतूर परफ्यूम शॉप से। अगर आप फ्रेगरेंस से रिलेटेड अब इंटरेस्टेड रखते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है फ्रेगरेंस से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा डिकैंट के बारे में कि परफ्यूम की बॉटल में कितने स्प्रे होते हैं, 5 ml में कितने स्प्रे होते हैं, 10 ml में कितने स्प्रे होते हैं, ये चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और आपका 2 ml का परफ्यूम कितने देर तक चल सकता है, कितने स्प्रे हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि 1-2 ml का परफ्यूम कितने स्प्रे कर सकता है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखो ताकि एक आपको जानना मिल सके कि 1-2 ml में, 5 ml में और 10 ml में कितने स्प्रे होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो 2 ml की बॉटल में कितने स्प्रे होते हैं। तो ये आपके सामने एक इंजेक्शन फील है जो 2 ml की कैपेसिटी में, जो हमारा डिकैंट की बॉटल है वो ग्लास है, जो आज ऑफिशियल टेस्टर जो चलते हैं वो सेम आपको वो बॉटल में मिलेगा, ताकि आप प्रीमियम परफ्यूम को इस तरह से ट्राई कर सको। तो ये 2 ml का मैंने आपने फील कर दिया था और आपको बताना है कि 1-2 ml में कितने स्प्रे होते हैं। तो ये आपके सामने देखने को मिलता है, ये 2 ml की कैपेसिटी है। अब इसको प्रेस करने का, ये भी प्रेस करने के लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है वो लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरर है। इसको अगर आपके पास बॉटल है तो आपको सिर्फ इसको एक बार स्प्रे करना है, बस प्रेस कर दिए, ये प्रेस हो गई। अब ये खुलेगी नहीं, ये ना रोटेट होगी, मतलब सब फिट हो जाता है। अब इसको ओपन करना चाहो तो ये नहीं होगी। ये बहुत से लोग पूछते हैं कि ये बॉटल को किस तरह से फिट होता है, तो ये प्रेस फिट होती है। अगर आपको थोड़ी क्वांटिटी में तो इस तरह से कर सकते हो। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये बॉटल कितने स्प्रे कर सकती है। तो मैंने अंदर रखा था एक परफ्यूम की जगह पे, मैंने वाटर भरा हूँ, पानी भर के मैं आपके सामने मैं बताता हूँ कितने स्प्रे करती है ये बॉटल। तो चलिए शुरू करते हैं, तो आप गिनते रहिए। ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
यानी आप पकड़ लो अराउंड 60 के करीब या 55 पकड़ लो, 55 स्प्रे, 57 स्प्रे या पकड़ लो 60 स्प्रे जो मेरे से मिस हुए गए, यानी आपको ये आइडिया हो जाता है, यानी 55 टू लेकर 60 स्प्रे। तो ये चीज़ आपको इजीली आपका एक वीक चल सकता है, आप इसको ट्राई कर सकते हो और अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा 5 ml के अंदर कितने स्प्रे होते हैं। तो ये बॉटल को आपको देखकर एक आइडिया मिल चुका होगा कि अगर मेरे पास 2 ml की बॉटल है तो वो कितने स्प्रे कर सकती है। तो वो इनाफ है टेस्ट करने के लिए, और अगर कोई ओकेशन है शादी वादी में जाना है तो मैं कहूँगा महंगा परफ्यूम लो 2 ml में, 5 ml में, और उसको एंजॉय करो परफ्यूम को। तो अब मैं आपको बताऊंगा 5 ml में कितने स्प्रे होते हैं, जो हम बॉटल देते हैं ग्लास की वो कैसी होती है उस चीज़ के बारे में। तो ये 5 ml आपके सामने है, मैं आपको जब दूंगा तो वो इतना रहेगा, यानी आपको देखने से मिल गया होगा ये फुल बॉटल 6 ml की है, यानी 5 ml की कैपेसिटी इतनी रहेगी। जब इसको आप फुल भरते हो तो ये हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब इसको स्प्रे करके देखते हैं, इसमें छोटा सा पतला सा पाइप था, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पंप को। ये जो स्टार्टिंग के पंप रहते हैं वो एयर के लिए रहते हैं। अब शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. It's enough, yeah. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
यानी आप समझ सकते 88 स्प्रे और थोड़ा सा रह गया 89 और ये 90 फिर भी थोड़ा सा रह गया आपके सामने है। यानी कि आपको आइडिया हो गया है कि 5 ml की बॉटल में 90 स्प्रे होते हैं और 2 ml की बॉटल में इसका थोड़ा सा पतला सा पाइप है, इसीलिए इसके अंदर 55-60 स्प्रे होते हैं। तो ये आपके लिए टेस्ट करने के लिए इनाफ है। सेम मैं आपको बता देता हूँ, जो 10 ml की बॉटल होती है, जो हम किस तरीके से हमारी जो 10 ml के ग्लास की बॉटल है जो एकदम अच्छी क्वालिटी से बनी हुई है, हार्डनिंग की हुई है, जो टूटती नहीं है, ये आपको नॉलेज के लिए काफी हो गया होगा कि ये बॉटल टूटी नहीं। ये 10 ml का लिक्विड अंदर भरते हैं, तो ये आपको दिखता है, तो जब सेम पंप है तो इसमें 90, तो यानी 180 स्प्रे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बॉटल से। तो ये जानना मिला आपको 2 ml में कितने स्प्रे होते हैं, 5 ml में कितने होते हैं और 10 ml में कितने होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कुछ डिकैंट को ट्राई करना, तो आप डिकैंट ट्राई कर सकते हो प्रीमियम परफ्यूम के। तो हमारे सामने आपके सामने कुछ 3 परफ्यूम मैंने रखा हूँ। अजमल की सीरीज़ है, अलशम्स सीरीज़, दो मुखलत अलशम्स है, ये दानालूद अलशम्स है, ये स्पेशल एडिशन है दानालूद अलशम्स का। अगर कोई चाहता है डिकैंट की प्राइस लिस्ट तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप का नंबर मेंशन कर दूंगा। वेबसाइट की डिटेल मैं आपको बाद में अपलोड करते रहूँगा, वेबसाइट पर प्रोडक्ट डालने बाकी है। तो अगर आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपने वीडियो देखे, अपना टाइम दिए, उस चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया आपका। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम और लोकेशन सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं और डेली रेगुलर अपडेट आप देख सकूं। शुक्रिया आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।